भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के ईश्वरनगर गायत्री मंदिर के समीप गुरुवार की रात प्लास्टिक सामान से लदे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में रखा सारा प्लास्टिक का सामान धू धू कर जल कर राख हो गया। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते तब तक ट्रक के डाले से आग की तेज लपटें उठने लगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों से पाइप लगाकर आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग को बुझाना शुरू किया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार इसाकचक इलाके में प्लास्टिक की एक कंपनी का वेयर हाउस है, जहां ट्रक से सामान ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ट्रक का पिछला हिस्सा सड़क पर लटक रहे बिजली तार से टकरा गया। तार के टकराते ही चिंगारी उठी और फिर प्लास्टिक के सामानों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही इसाकचक पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इधर घटना के बाद अग्निशमन विभाग ट्रक के चालक एवं मालिक से पूछताछ कर रही है। पटना डिपो से हमारा माल आ रहा था, मिल्टन हाउस का माल आने के दरमियान जो है रास्ते में बिजली से शॉर्ट सर्किट कहाँ पर क्या हुआ, जिसके वजह से पूरे ट्रक में आग लग गई, जिसके वजह से सामान सारा जल गया, हमारा कुछ बचा नहीं है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? अभी इन्वाइस हमें देखना होगा, क्योंकि इन्वाइस हमें मिला नहीं है, क्योंकि माल हमारे गोडाउन में आती है तभी मेरे हाथ पे इन्वाइस आता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास? 8 से 10 के आसपास होगा। अच्छा, मैं अभी इसका बिल देखा नहीं, इसलिए मैं क्लियर नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि माल आती है उसके साथ में इन्वाइस भी आता है। इन्वाइस देखने के बाद मैं देखता हूँ क्या आइटम नहीं है। आज किए होंगे क्या घटना कैसे हुई? तो घटना ये हुआ कि ट्रक वहाँ से आ रही थी बाईपास से, आने के दरमियान जो रास्ते में कुछ बिजली के तार कुछ नीचे हैं, जिसके वजह से ट्रक में सटा होगा या स्पार्क हुआ होगा, इसमें से हुई है। क्योंकि माल क्या क्या ट्रक में माल क्या क्या ये मिल्टन का था, बच्चे लोगों का वाटर बोतल थी, बाल्टी था, मग था, मिल्टन का थर्मोस्टील की बोतल थी जिसमें पानी ठंडा करने लगती है, ये सेट। आपका परिचय? मेरा नाम है दीपक कुमार वर्मा, मैं भागलपुर का मीटर का शूटर हूँ। तरफ से आ रहे थे जी, ट्रक में हल्का हल्का सा धुआं होने लगा ऊपर में। हाँ। तक में आवाज दिया, रोको रोको रोको, ट्रक रुका। हाँ। उसके बाद जो है पूरा आग फैलने लगा। अच्छा, ऊपर से लोग पानी उनी देने लगा, पानी उनी देते देते पूरा आग एकदम विस्तार रूप ले लिया। अच्छा, पानी देते देते लोग नाला का भी पानी दिया जलते उलते, फिर कार्टून वार्टून को फेंका गया रोड पे, फिर तिरपाल को खींचा गया, उससे आग पूरा फैला। उसके बाद आग जब घुटने कगार पे था तब फायर ब्रिगेड आया। ट्रक में क्या कुछ था आप देखे थे? तो प्लास्टिक का सामान था, अच्छा, कंपनी का सामान था। अच्छा, आग लगी कैसे हुई ये इसके बारे में कुछ? पोल खम्भा में तार में शॉर्ट किया, बिजली का तार में सट गया था ऊपर में तिरपाल में। अच्छा, जिसके कारण आग लगी हुई। अभी फिलहाल स्थिति क्या है? स्थिति सामान है, अभी सब आग बुझ गया है, लेकिन सामान को लेकर क्षतिपूर्ति हुई? सामान पूरा क्षति हुआ। भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर रसीदपुर गांव के समीप तेज रफ्तार हाईवा ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दिया। घटना में वृद्ध की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक की पहचान रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद मुर्शीद आलम के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर उमड़ गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग को घंटों जाम कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज अकबरनगर और साकुंड थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान करीब 4 घंटे बाद मुख्य सड़क से जाम को हटाया गया। इस बीच आक्रोशित लोगों ने हाईवा चालक पवन सिंह को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों की पिटाई से घायल हुए चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया है। इसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ रवि कुमार एवं शिमला कंपनी के कर्मी ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क जाम को हटाया गया। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद लोगों द्वारा आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया गया, जिससे पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को समझा कर रोड खाली करा दी। मांग क्या था? मांग ये लोगों का था कि जो मृत्यु हुई है तो
कॉन्ट्रेक्टर को बुलाया जाए, मुआवजा दिलाया जाए, तो हम लोगों ने बता दिया है जो नियमानुसार मुआवजा मिलता है उन लोगों को मिलेगा। और चालक को अभी अस्पताल में भेजा गया है, लोगों को जो है उससे मारपीट हो गया था, तो अभी अस्पताल में स्थिति बताई नहीं जा सकती क्या है। भागलपुर के बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप सेंट्रल बैंक वाली गली में निराला स्पीच एंड हियरिंग सेंटर की ओर से निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों मरीजों की जांच कर निशुल्क उपकरण भी मुहैया कराया गया, साथ ही चिकित्सकों द्वारा उचित परामर्श भी दिया गया। निराला स्पीच एंड हियरिंग सेंटर के संचालक डॉक्टर निशी कुमार ने बताया कि 1 मई से 6 मई तक सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक कई जिलों के लोग जांच करवाने पहुंचे। इसके बाद सभी मरीजों की अत्याधुनिक मशीनों से कानों की जांच की गई। इसके बाद मरीजों के बीच उपकरण भी वितरित किए गए। डॉक्टर निशी कुमार ने बताया कि शुक्रवार को शिविर के तीसरे दिन 100 से अधिक मरीजों की जांच की गई। जांच के बाद कई मरीजों को काफी कम कीमत में मशीन उपलब्ध कराया गया, साथ ही उचित परामर्श भी दिया गया। डॉक्टर निशी कुमार ने बताया कि वैसे बच्चे जिन्हें बोलने में परेशानी है या वैसे लोग जिन्हें सुनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वैसे लोगों के लिए समय समय पर जांच शिविर लगाकर जरूरतमंदों की मदद की जाती रही है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा के उद्देश्य से ही जरूरतमंद लोगों के बीच वह अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को शिविर का समापन होगा। जिन भी मरीज को सुनने या बोलने में परेशानी है, वह क्लिनिक आकर अपनी समस्या का उचित समाधान पा सकते हैं। ये कैंप हमारा 29 तारीख से चल रहा है, 29 अप्रैल से, और 6 तारीख तक ये कैंप हमारी कंटिन्यू चलेगा, जिसमें आपका निःशुल्क जांच एवं निःशुल्क परामर्श मिलेगा। और जितने भी हियरिंग एड के पेशेंट हैं जिनको सुनने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए 50% डिस्काउंट, मतलब कि हर एक मशीन का 50% उनको पे करना पड़ेगा। अराउंड 100+ पेशेंट हमने इन 3 दिनों में देखा है, और इस चीज़ का फायदा नॉर्मल जो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं उनको मिल रहा है। जो पैसे के अभाव में इस चीज़ का जांच नहीं करवा पा रहे हैं, मशीन नहीं लगवा पा रहे हैं, उनको ये फायदा मिल रहा है और वो काफ़ी खुश हुए हैं। किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं सर? देखिए, इस चीज़ में हियरिंग इम्पेयर्ड, जिसको सुनने में दिक्कत हो रही है और जिनको बोलने में दिक्कत हो रही है, दोनों टाइप के मरीज मिल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जिनको सुनने में दिक्कत हो रहा है, वही केस ज़्यादा हो रहा है और उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनका जांच होता है और उनके पावर के अनुसार से मशीन लगाई जा रही है। ये 6 तारीख तक रहेगा, 6 तारीख सोमवार तक ये कैंप रहेगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर जिला का स्थापना दिवस 4 मई को मनाया जाना था, लेकिन इस साल जिला प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए स्थापना दिवस नहीं मनाने का फैसला लिया है। जिला सामान्य शाखा के अधिकारी ने बताया कि भागलपुर जिला का स्थापना दिवस 4 मई को है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसी स्थिति में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से इसे नहीं मनाने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल भागलपुर ज्ञान एवं सामाजिक आंदोलनों की भूमि रही है। आपको बता दें कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने जिला स्थापना दिवस के आयोजन के लिए वर्ष 2022 में 3 लाख रुपये का बजट आवंटित किया था, उसके बाद से ही जिले का स्थापना दिवस नहीं मनाया गया।
हीट वेव को लेकर भागलपुर रेड जोन में है। दिन में झुलसा देने वाली धूप से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दिन का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचते ही अस्पतालों में हीट स्ट्रोक की शिकायत लेकर लोग पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए सामुदायिक अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल तक को अलर्ट मोड में रखा गया है। जरूरी दवाओं के साथ साथ 2 से 4 बेड को लू लगने वाले मरीजों के लिए सुरक्षित रखा गया है।